गाइस, आज आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से मच्छी साफ की जाती है। जैसे बिल्कुल उसका आप सबसे पहले जो नीचे का हिस्सा रहता है, यहाँ पे उसका जो रहती है, वहाँ से आप उसके चीरा लगाइए सीधा खड़ा खड़ा इस तरह से, और यहाँ तक ले जाइए बिल्कुल। तो इस तरह से पेट साफ हो जाएगा पूरा, आ रहा है। अब उसके बाद अंदर जो भी माल मटेरियल है उसे आप निकाल दीजिए। ये देखिए, अब जो मेन पॉइंट है वो देखिए आप, ये जो इसके बिल्कुल गर्दन के यहाँ पर ये जो चमड़ी रहती है, जिस तरह से हम स्टिकर के रेपर निकालते हैं, इस तरह से इसको ये निकाल लीजिए। ये देखिए, अब इसमें चमड़ी अलग हो रही है और बोटी अलग हो रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप सब्जी बनाएंगे तो उसमें इस चमड़ी की छिछलान नहीं आती है, जो बदबू आती है चमड़ी की, वो स्वाद बिगाड़ देती है सब्जी में। अब जब आप इसको इस तरह से साफ कर लेंगे, और सबसे मेन बात, इसको बिना राख के आप साफ नहीं कर सकते, इसमें राख होना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि ये चिकनी नहीं रहती है, आराम से पकड़ने में आ जाती है, नहीं तो क्या पिसलती है फिर। जहाँ पर भी आपको लगे हाथ पिसल रहे हैं, आप थोड़े से हाथ राख में कर लो, इस तरह से निकालते जाओ धीरे धीरे। आप देखेंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल बोटी की तरह होगी। ये बहुत बेहतरीन तरीका है मछली को अगर अच्छी स्वादिष्ट बनानी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है खाल निकालना। इसी तरह से पलटा कर इसको इसकी दूसरी साइड से, गर्दन की तरफ से, अंगूठे से खाल और बोटी को अलग करके इस तरह से धीरे धीरे खसकाते रहिए। ये देखो, मैं काट दूँ ऐसे। ये देखिए, हाथ चिकन हो गया, फिर उसे कर लो। ये देखो एडिटिंग, तो इस तरह से अभी ये हमारी इधर से भी इतनी हो गई, इधर से भी इतनी हो गई। अब ये आधी बच रही है, इसको फिर डबल दूसरे पार्ट में आप निकालने लग गए। इसके लिए ज़रूरी है मछली ताजी होनी चाहिए। अगर मछली अगर बासी है तो उसकी खाल निकालने में दिक्कत आएगी, उसके साथ गोश भी आएगा, हाथ पिसलते हैं। एक तरफ का हिस्सा पूरा साफ हो गया है, दूसरी तरफ पलटा कर इसका जो दूसरा पार्ट है उसको ले लीजिए। हाँ दियो। हाँ? अरे पापा, मेरे को तो वो होमवर्क करना है। अच्छा, रुक जाएगी। दो ही तरफ से साफ हो गई है, ये ऊपर बची है। तो इसमें आप क्या करें, इसको बिल्कुल एंड तक ले लें, ताकि ये सिर्फ ऊपर के जो कांटे रहते हैं उस पर चली जाए। अब इसको पीछे से पकड़कर इस तरह से आप खींच दीजिए। अब ये देखिए, इसके जो ऊपर के कांटे हैं वो भी बाहर आ गए हैं, ठीक है ना। और ये मच्छी बिल्कुल बोटी रह गई है। अब इसमें गोश को, अब इसको एक धमाक लेके
अब जो भी इसके पर हैं वो काट लीजिए। बार तुम्हारे गाइस को भी कितना अच्छा तरीका बता रहे तुम खेल कर। तुम्हारे गाइस को तो जैसे याद ही नहीं होएगा। तो फरत के लिए कि हमारे गाइस को याद नहीं है तो आप कमेंट्स करके बताइए आपको याद है कि नहीं। तो पानी का निकल रहा रोक तो बोलते हैं। तो अब ये इधर से भी इसके पर काट दो। पर नहीं मुंह। इधर से भी। अब पर सब कट गए हैं सिर्फ मुंह बचा। मुंह के लिए आप ये करिए कि ये जो कट लग रहा है इसको ओंधा लेके इस दरात में और इसके मुंह से ये देखिए इधर से बताओ इधर से बताओ इसको मुंह में से इस तरह से। अरे पापा दिख ही नहीं रहा कैसे बताऊं पूरा मुंह। हाँ बताओ अब सीधा कर। हाँ यूँ कर खड़ा क्यों कर ठीक है। अब इसको दो ही तरफ से पकड़ कर और ठीक है चीज़ गल गल ये क्या होता है कान गल आता है। पहली बार मैं देख रही हूँ ना बस इसकी आँख तो देखो यार तो गाइस अब ये पूरी तरह से मछली साफ हो गई। इसमें कहीं भी आपको खाल नज़र नहीं आई पूरी सिर्फ गोसी गोसी। इसके अंदर तो मेरा मुंह दिख रहा। ये देखिए ये सिर बचा है और ये बोटियाँ बोटियाँ हैं। क्या वो सिर है सब साफ कर दिया। अब हम इसके पीस कर लेंगे क्योंकि ये कांटे वाली मच्छी है। बन रही है ना। अब ये जो अब इसको जोड़ दोगे तुम अलग रख लेते हैं। गाइस आपको लग रहा होगा ये बहुत गंदी होगी रात में तो खैर रात निकल जाएगी। थोड़ा सा उसको पानी में इस तरह से गला दें तो जो राख है सारी आप देखेंगे भी थोड़ी देर बाद कितनी साफ सुथरी। अब देखिए गाइस ये बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। ये देखिए पापा दादी इन बच्ची बनाए नहीं तो वीडियो बना लेना उनकी भी वो भी डाल देंगे यूट्यूब पर।
और धो लेते हैं इसको। अब इसकी सब्जी बनेगी तो वो बिल्कुल आप देखेंगे बहुत स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि अब इसमें जो चमड़ा रहती है उसकी सारी बदबू हट जाएगी। तो चलिए गाइस अब चलते हैं। अब इसमें हम 2 घंटे के लिए या 2-3-4 घंटे, जब भी आपको मच्छी पकानी हो तो उससे पहले आप इसमें नमक और नींबू में अच्छे इसको मिला लें और फ्रिज में 2-3-4 घंटे पहले रख दे सब्जी बनाने के। तो उससे होगा क्या कि इसके अंदर टेस्ट जो है वो नमकीन हो जाएगा और बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा। चलिए